कुछ उससे इंस्पायर है? फिल्म फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच. ये फिल्म जो है 80-90 पूरे 100, एक्चुअली यू कांट कॉल इट अ पॉलिटिकल ड्रामा, लेकिन हाँ ये एक इट इज़ बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ ट्रू लाइफ जो इवेंट्स होते हैं एंड इट डील्स विद अ लॉट ऑफ सच इशूज. तो यू कांट से शिवसेना हो या कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल, हम ऐसे नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैं अपने किरदार के बारे में ज़रूर बता सकती हूँ आपको, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मुझे रन ऑफ द मिल मंडेन जो रोल्स होते हैं करना पसंद नहीं है, मैं कुछ अलग ही करना पसंद करती हूँ. और ये जो इस फिल्म में मेरा जो किरदार है वो भी वैसा ही है, काफ़ी शेड्स है, ग्रे शेड. कहाँ से बोलूं? सो इसमें इस किरदार में ग्रे शेड्स भी है, रोमांस भी है, और रिवेंज. इट्स एक्चुअली मोर देन एनीथिंग एल्स एक रिवेंज ड्रामा है, हार्डकोर ड्रामा है. तो मुझे हमेशा ही ऐसे स्क्रिप्ट्स और ऐसे रोल्स पसंद आए हैं जहाँ पे मैं हीरो के कंधे पे गन रख के कभी शूट करना पसंद नहीं करती. मैं ऐसे रोल्स चाहती हूँ जो सब्सटैंशियल हो और कुछ करके दिखाएं, जैसे कि वेदर इट्स क्या कूल है हम, वेदर इट्स डॉन, वेदर इट्स शबरी, वेदर इट्स कृष्णा कॉटेज, वेदर इवन इफ इट्स वन आइटम सॉन्ग इन खलास. सो ये भी कुछ ऐसे ही है, अलग ही एक मेरा किरदार है और बहुत लंबा स्पैन है, फ्रॉम द एज ऑफ से 25 to 80 years का एक औरत की एक जर्नी दिखाई है, स्पिरिचुअल जर्नी. ईशा, ये दूसरा सवाल होगा, दोनों पोस्टर जो दूसरे पोस्टर हमने देखे उसमें कहीं ना कहीं ऐसे वर्डिंग से नजर आ रहे हैं कि दोनों लोगों के आपस में टक्कर है, तो क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? लाइक आई सेड, इट्स हाँ इट्स अ रिवेंज ड्रामा. तो इसका जो इनका जो मेरा जो किरदार का नाम है सांगली है फिल्म में, सांगली. सो सांगली इज़ शोन एज अ वेरी विंडिक्टिव वुमन, उसका नेचर ही वैसा है. और हालांकि हम सब, इफ़ वी आर रॉन्ग्ड इन लाइफ, हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे अगर होते हैं, इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, तो एक तरीके का एक वेंजेंस आ ही जाता है हम में, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, हम हो ही जाता है. एक बदले का, एक बदले की एक भावना हम सब में कहीं ना कहीं होती है. All of us have a little bit of bad and a little bit of good in us. So, ये हाँ है, एक तरीके का एक टसन पूरी फिल्म में इन दोनों कैरेक्टर्स में है. देविंदु, आपसे जानना चाहेंगे, पिछली फिल्मों से जो आपका किरदार रहा है उससे काफी डिफरेंट लग रहा है, शेड्स दूसरे तरह के नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से प्रिपरेशन की आपने इस चीज को इस फिल्म के लिए? आर्टिस्ट वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हर बार एक कुछ नई चीज करें. अपनी तरफ से तो हम उसको हमेशा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बट लोगों को कैसा पसंद आता है वो मैटर करती है चीज़. तो इस बार भी एक यही कोशिश है कि एक डिफरेंट कैरेक्टर, उसकी कुछ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ, उसकी कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक नया कैरेक्टर लेके आऊँ. सो लेट्स सी कैसे जाता है. ईशा जी, क्या ईशा जी आपसे सवाल है कि ये जो कैरेक्टर आपने मेंशन किया इधर वो हिंदू माइथोलॉजी पे बेसिकली आधारित है और इंटेंस किरदार है जैसा कि आपने कहा, तो क्या ये कहीं ना कहीं राधे माँ से इंस्पायर्ड है या क्या, कुछ बताएंगे? राधे माँ, ईशा जी आपसे सवाल है मेरा. ये कोई किसी भी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड नहीं है, दिस इज फिक्शनल. और यहाँ पे अगर आप किसी कैरेक्टर को, जब हम ऑडियंस में बैठते हैं तो कोई ना कोई किरदार ऐसा होता ही है स्क्रीन पे, जिससे हम कोई ना कोई जो ऑडियंस में बैठा हुआ होता है उसको, उससे रिलेट करता है. तो अब जिससे आपको रिलेट करना है उससे आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन नो, इससे किसी से इंस्पायर्ड नहीं है ये. कितना इंटेंस किरदार को निभाना कितना मुश्किल होता है, और हिंदू माइथोलॉजी के लिए आपको कितना सेंटिमेंट, मतलब मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड होना पड़ा? ये माइथोलॉजी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि माइथोलॉजी वो होती है जिसका युग का पता नहीं होता. ये अभी का चल रहा है, सो यू वॉन्ट इवन कॉल इट माइथोलॉजी. तो इसमें हम उस डायरेक्शन में जाएंगे ही नहीं.
ये वेरी टुडे है, आज की फिल्म है ये. बस इसको देख के आपको जो लगता है लगे क्योंकि हमारी फिल्म तो शूट हो रही है अक्टूबर नवंबर में, और जब पर्दे पे आएगी तो फिर आप देख के जो भी समझना है समझ लीजिएगा. बट आई एम श्योर यू लाइक द फिल्म क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसी है. इसीलिए मैंने अब 4 साल बाद अगर मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म चूज की है तो ये की है, क्योंकि इट इज़ अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट. ईशा जी, अगर आपको किसी पे बायोपिक बनाने का अवसर मिले तो आप किस पे बनाना चाहेंगी? आपके ऊपर, क्योंकि बायोपिक का चलन बहुत चल रहा है बॉलीवुड में आजकल, तो हर कैरेक्टर, हर एक्टर या एक्ट्रेस चाह रहा है कि वो एक बायोपिक बनाए, तो आपको कभी अवसर मिले तो आप किस पे बनना चाहेंगे कैरेक्टर? ऐसे कभी सोचा नहीं है, बट यू एब्सोल्युटली राइट. मुझे क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं. आई थिंक आई वुड लाइक टू मेक ऑन द लाइंस ऑफ अ किरण बेदी और एन इंदिरा गांधी और आई डोंट नो, मैंने इतना सोचा नहीं है. लेकिन कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर या शायद आपके माइथोलॉजी में जाके किसी को चुन के ले आऊँ. थैंक यू. अंकुर सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आपकी डेब्यू फिल्म है, तो ऐसी क्या बात है स्क्रिप्ट में जो, व्हाट इज़ द एक्स फैक्टर अबाउट द स्क्रिप्ट जो बोलते हैं, और ईशा जी को और दिव्येंदु को ऐसी क्या बात पिच कर गई, आपने कैसे पिच किया, व्हाट इज़ द एक्स फैक्टर अबाउट द स्क्रिप्ट, क्यों चुना? जैसे ईशा इज़ कमिंग बैक आफ्टर 4 years.